आपका स्वागत करते हैं बाल विकास परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत की ओर से। और आज हमारे बीच में श्री सुरेश जैन जी, जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये पिछले दो दिन से जम्मू के प्रांत में हमारे बीच में श्री सुशील शर्मा जी नेशनल ऑर्गेनाइजिंग भारत विकास परिषद संपूर्ण देश में एक नॉन पॉलिटिकल संगठन होने के नाते सेवा और संस्कार के क्षेत्र में काम करता है। सेवा के माध्यम से हम चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को उनके आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, इसका विकास कैसे हो, कैसे महिलाएं सशक्त बने, इस पर हम काम करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देश भर में हमारे कुछ हॉस्पिटल हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, डायलिसिस सेंटर हैं, और सबसे बड़ा अभियान हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली के साथ मिलकर के एक जागरूकता, आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन के लिए एक जागरूकता का अभियान यह चलाया है। इसी प्रकार से संपूर्ण देश में अनीमिया मुक्त भारत बनाना, यह एक प्रमुख अभियान आजकल हमारा चला हुआ है, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट और सर सर सामने देखिए आप, दो दफा फ्रेम खराब हो गया। 10,000 महिलाएं उसमें काम करती हैं। समाज में गरीब, गांव, वनवासी क्षेत्रों में, शहरों में, सेवा बस्तियों में किस प्रकार से छोटे बच्चों से एक 10-12 साल की लड़कियों से लेकर के और वृद्ध महिलाओं तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे, किस प्रकार से उनका ठीक से ब्लड टेस्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, कैंसर है, स्तन कैंसर है, उसका टेस्ट करते हैं। जगह जगह पर इस प्रकार के कैंप्स आज हमारे लग रहे हैं। कल अखनूर में बहुत बड़ा कैंप लगा था, आज जम्मू में कल भी लगा और आज भी, और इस तरह के टेस्ट करने का, महिलाओं का और ब्लड टेस्ट करने का यह कैंप्स जगह जगह पर हमारे लग रहे हैं। आज 10 और 11 अक्टूबर को वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे होने के कारण से ये पूरा सप्ताह पूरे देश में हम अनीमिया मुक्त और बच्चियों को ठीक से स्वस्थ रखना, इसके कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये पखवाड़ा आजकल हमारा चल रहा है।